इससे सरकार को ही नुकसान होगा, बिहार की जनता देख रही है कितने मिमिक्री करने, तो ये आर्ट का हिस्सा है यार, ये लिटरेचर का हिस्सा है, तो मिमिक्री के बहाने आपने कितना मिमिक्री किया। आप खुद मुख्यमंत्री दूसरे का मिमिक्री करते हैं, दूसरे को धमकी देते हैं, हम लोग उनके सहानुभूति हम लोग प्रकट करते हैं और साथ साथ ये लड़ाई होगी और हाईकोर्ट जाया जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है उनकी सदस्यता पुनर्स्थापित होगी। नेशनल हाईवे का निर्माण करते हैं, एक्सप्रेस वे का निर्माण करते हैं, इस पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्ले द रोल, ये उसकी भूमिका है। वो अपनी भूमिका को विशेष पैकेज का राज विशेष पैकेज की बात करते हैं, ये तो विशेष पैकेज की बात है नहीं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। आप नज़र नहीं मिला सकते हैं, इसलिए अब नीति आयोग में जा करके अपनी बातों को रखनी थी आपको, आपको रखनी थी कि भाई पुनर्विचार किया जाए, विशेष राज्य का दर्जा हमें दिया जाए, तमाम अर्हता हम पूरी करते हैं, ये भाग रहे हैं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, आचार समिति की तरफ से आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह की संस्था रद्द करने को लेकर के अनुशंसा की गई थी और कल उनकी संस्था रद्द कर दी गई। सिद्धमा मोदी पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम जी हैं। क्या कहेंगे सुनील कुमार सिंह की संस्था जिस प्रकार से रद्द की? ये बिल्कुल गैर संवैधानिक फैसला है, ये तानाशाही है। आपको मालूम होना चाहिए, मिमिक्री हो या कार्टून हो या व्यंग लेखन हो, ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर, तो ये गलत है। आरजेडी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मिमिक्री को लेकर कहे हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो क्लिप जो है सार्वजनिक किया जाए। क्या लग रहा है कि सरकार जानबूझ करके ऐसा की है? सरकार डर गई है और सरकार जानबूझ के ऐसा किया है, लेकिन इससे सरकार को ही नुकसान होगा, बिहार की जनता देख रही है कितने मिमिक्री करने, तो ये आर्ट का हिस्सा है यार, ये लिटरेचर का हिस्सा है, तो मिमिक्री के बहाने आपने कितना मिमिक्री किया। आप खुद मुख्यमंत्री दूसरे का मिमिक्री करते हैं, दूसरे को धमकी देते हैं, महिलाओं का अपमानजनक जो है भाषण देते हैं, और जो बिहार विधानसभा में जो आपने भाषण दिया इतना अश्लील, तो ये सब जो है विधि विधान के अंदर में आता है। मिमिक्री तो एक आर्ट का एक बेहतर तरीका है लिटरेचर का जी। तो आप लोग क्या उनके साथ हैं जिस प्रकार से उनकी संस्था गई है आगे? आप हम लोग उनके सहानुभूति हम लोग प्रकट करते हैं और साथ साथ ये लड़ाई होगी और हाईकोर्ट जाया जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है उनकी सदस्यता पुनर्स्थापित होगी। अब विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के लगातार आप लोग मांग कर रहे थे, लेकिन विशेष पैकेज मिला है। आरक्षण को लेकर के आप लोग कर रहे थे, आरक्षण दायरा बढ़ाकर जो 65% किया उसको 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बिहार की जनता के साथ विश्वासघात हो रहा है, ये विश्वासघात है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ऑफ स्टेट्स एंड स्पेशल पैकेज का जमीन आसमान का फर्क है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ऑफ स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा है, ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की रिपोर्ट के तहत राज्यों को ये दर्जा दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि आज की तारीख में 11 स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का दर्जा मिला हुआ, यानी कि आसाम को मिला हुआ है। ब्रह्मपुत्र की विभीषिका को आप देखते हैं, लेकिन गंगा, महानंदा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक और सोन की विभीषिका को आप नहीं देख रहे हैं। यहाँ आधारभूत संरचना है नहीं, और आधारभूत संरचना को ही मजबूत करने के लिए अगर आप नेशनल हाईवे का निर्माण करते हैं, एक्सप्रेस वे का निर्माण करते हैं, इस पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्ले द रोल, ये उसकी भूमिका है। वो अपनी भूमिका को विशेष पैकेज का राज विशेष पैकेज की बात करते हैं, ये तो विशेष पैकेज की बात है नहीं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। विशेष पैकेज अगर देता तो हमारी अथॉरिटी को देता, तब हम समझते कि कहाँ महिला उत्थान करना है, गरीबों का उत्थान करना है, शिक्षा को कहाँ क्या करना है, ये तो हमारी अथॉरिटी के अंदर होती तब ना। ये तो हमारी अथॉरिटी के अंदर है नहीं। उसने एक प्रोग्राम परियोजना दिया कि हाई एक्सप्रेस करेंगे हम गया से पटना या मान लीजिए पटना से पूर्णिया, तो ये तो सेंट्रल का प्रोग्राम है, तो विशेष पैकेज है नहीं। आगे आप लोग क्या करेंगे अभी इसमें? हम लोग हक दो वादा निभाओ का जो हमारी पार्टी का जो अभियान है कि विशेष राज्य का दर्जा आपने 2006 से लेकर अब तक उठा के बिहार की जनता को गुमराह किया, भ्रमित किया, भरमाया और वोट को लूटा है आपने। और आज चूंकि आप नज़र नहीं मिला सकते हैं, इसलिए अब नीति आयोग में जा करके अपनी बातों को रखनी थी आपको, आपको रखनी थी कि भाई पुनर्विचार किया जाए, विशेष राज्य का दर्जा हमें दिया जाए, तमाम अर्हता हम पूरी करते हैं, ये भाग रहे हैं।
इसलिए इसके अब जन आंदोलन हम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमसे बातचीत करते हैं भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूबा लाजी ने साफ तौर पे कहा है कि सुनील सिंह की संस्था जिस प्रकार से रद्द की गई है इसकी घोर उन्होंने निंदा की और साथ ही साथ उन्होंने कहा हम उनके साथ खड़े हैं, मिमिक्री करना एक कला है और इसको लेकर के जो है उनकी संस्था रद्द नहीं करनी चाहिए थी। और भी क्या कुछ कह रहे थे आप भी सुने थे, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।